Hello everybody, a very very good morning to all of you. कैसे हो सब लोग? विदुषी, लक्षिता, गोला पोला, ओम, स्पर्श, सेजल, ओहो, गुड आफ्टरनून आफ्टरनून. कैसे हो सब लोग? कभी कभी अदिति, हाउ आर यू? क्या तुम्हें कभी कभी जिंदगी में कोई अच्छा लगा है? और अगर बिछड़ गया है तो क्या सपना लगा है? बोलो ना मुझको. हाँ, लक्षिता, याशिका, लक्षिता, याशिका, कैसे हो? अदिति बता ही नहीं रही है. कभी कभी अदिति जिंदगी में कभी कोई अपना लगता है. अभी मैं बनाऊंगी तुम्हारा कोई अपना, फिर वो बिछड़ेगा ना तो एक सपना लगेगा. ठीक है, अभी शुरू हो गई है हमारी मस्ती की जर्नी. या तो तुम मुझे व्हाट्सएप करके चुपके से खुद बता दो कि मैम ये बना दो मेरा अपना, जो ना लगे मुझे कोई सपना. मैम या तो ये बना दो, ठीक है, और ना मुझे ना देखो ऐसा करा करो ना. लक्षिता, आई नो योर फेस. मानसी, आई नो योर फेस. सब लोग मुझे अपने फेसेस भेज दो, जिससे कि मेरे को तुम लोगों के मजे लेने में और मजे आए. क्योंकि आज की क्लास तो हमारी है, आज की क्लास तो हमारी है द हलवा पूरी क्लास. बिकॉज आज मुझे तुम्हें सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाना है और इस चैप्टर के क्वेश्चंस करा के इस चैप्टर को खत्म कर देना है. और कल मुझे तुम्हारे साथ काइंड्स ऑफ कंपनीज पे चले जाना है, जो मैंने फाउंडेशन में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया था. इस बार भी हम प्रॉपर डिटेल में करेंगे उसको. हाँ, सबको आता है तो थोड़ा सा आगे रखेंगे और आगे चलेंगे. आज हमारे खीर पूरी ही बनी है. ओहो 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 ओहो, ठीक है. सो जैसे कि हो गया गीतांशु, जैसे कि हो गई आदिति, बार बार अपनी फोटोज डाउट्स के साथ मुझे भेजो, जिससे कि मैं तुम्हें कॉन्स्टेंटली पहचान पाऊं और क्लास में बहुत मजे ले पाऊं. हाँ गोला पोला, आई नो यू. चलो जी, तो रिविजन करते हुए हम कहते हैं जल्दी से बताओ कि कंपनीज एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? कंपनीज एक्ट में टोटल 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 कितने चैप्टर्स हैं? ये झा जी हैं हमारे, झटका जी हैं हमारे, जोर का झटका हाय जोर से लगा. विदुषी आई, मोनिका, ओ माय डार्लिंग. कौन गाएगा ये गाना? मोनिका, ओ माय डार्लिंग. 10 चैप्टर नहीं है, 10 चैप्टर नहीं है. जैसे बॉलीवुड विद लॉ में खेलूंगी तुम्हारे साथ, सिमिलरली बड़े बॉलीवुड के बच्चे हैं हमारे साथ. ठीक है, मोनिका, लक्षिता, लक्षिता क्यों, मोनिका, आदिति, टोटल 29 चैप्टर्स हैं बेटा. कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स हैं, हमें 10 करने हैं. 470 सेक्शन हैं, हमें 148 करने हैं. और टोटल कितने शेड्यूल हैं? टोटल 7 शेड्यूल हैं हमारी हेल्प के लिए. ठीक है, ठीक है. एक सवाल है मन में, मानसी गोला, क्या तुम्हें गोला खाना पसंद है? ठंडा ठंडा गोला खाना पसंद है क्या तुम्हें? एक मोनिका यादव है, एक मोनिका अलग है, ओ माय गॉड. एक अदिति कुमारी है, एक अदिति अग्रवाल है. क्या किया जाए, क्या ना किया जाए? चलो, तो चैप्टर नंबर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 3 से 22 तक है, जिसमें हमने यूनिट 4 यूनिट्स में इसे बांटा हुआ है. और आज हम समाप्त कर देंगे अपनी पहली यूनिट. आज हम समाप्त कर देंगे अपनी पहली यूनिट, जिस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंपनीज. इसमें हमने फीचर्स किए, चुपचाप से सारे आ गए सीएमसी में लॉ पढ़ने के लिए, चुपचाप से सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, शेयर, सेपरेट प्रॉपर्टी, आर्टिफिशियल पर्सन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कॉमन सील, कैपेसिटी टू स्यू, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, परपेचुअल सक्सेशन. ठीक है, डबल रोल है किस किस का? आदिति का और मोनिका का. सोच लो भाई, कौन सी मोनिका डार्लिंग किसकी बनेगी और कभी कभी आदिति कौन सी किसकी बनेगी. ठीक है, सो फीचर्स हो गए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख ली थी हमने,
इलीगल एसोसिएशन फटाफट से मुझे बता दो, सबने जहां बैठे हो, रूम तुम्हारा है, तुम्हारे पढ़ने के लिए है, चीख चीख कर बोलना है जैसे मैं बोल रही हूँ, रूम मेरा है, मैं चीख के बोल सकती हूँ। इलीगल एसोसिएशन क्या होती है? एसोसिएशन और पार्टनरशिप, साथ साथ एक्शन करो। मोर देन 50 पीपल, मोर देन 50 पीपल वर्किंग फॉर एक्विजिशन ऑफ गेन एंड इज नॉट रजिस्टर्ड इज टर्म्ड एज इलीगल एसोसिएशन। नहीं होना इलीगल तो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराओ या किसी भी अदर एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराओ। एक बार इलीगल हो गए तो हमेशा इलीगल रह जाओगे। अगर मेरी एसोसिएशन में 50 लोग हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं है, बताओ इलीगल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि मोर देन 50 होता है, ठीक है, क्योंकि मोर देन 50 होता है। अच्छा, एक्सेप्शंस क्या है? क्या ओम बच्चे पैदा करने पे रोक लगाता है? नहीं लगाता, क्योंकि सिंगल HUF होती है, वहां पर काउंटिंग होती ही नहीं है। लेकिन जब ओम और माधव, माधव कहाँ हो तुम? जब ओम और माधव बोलो ना मेरे साथ, जब ओम और माधव, क्या कर बोलोगे मेरे साथ? जब ओम और माधव की HUF होगी तो उसमें हम क्या करेंगे? 50 की काउंटिंग काउंट करेंगे और माइनर्स को हम उस वक्त काउंटिंग से एक्सक्लूड करेंगे। बॉडी ऑफ प्रोफेशनल्स है, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इफेक्ट क्या होता है? पर्सनल लाइबिलिटी आ जाती है, फाइन लग जाता है, इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, कोई केस नहीं कर सकते, वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, कोई वाइंडिंग अप नहीं होती, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। फिर आया था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। चलो जी, एक्शन करना है मेरे साथ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। बोलो मेरे साथ, इट मीन्स Disregarding the corporate personality of the company, disregarding the corporate personality of the company and looking behind the real persons in control. कैसे lifting होती है? या तो sections कहते हैं या साफ in device of incorporation को क्या किया जाता है? Abuse किया जाता है। Situations when lifted, judicial interpretation or statutory provisions. सुनो ना मेरी बात। Protection of revenue, determining enemy character of the company, avoiding legal obligation और prevention of fraud or improper conduct. एक डिंचा था जिसने टैक्स बचाने के लिए कंपनीज बनाई थी, एक जर्मन्स थे जिनका एनिमी कैरेक्टर जर्मन का था, एक था हमारा डालमेयर जिसने डालमेयर ही था टायर वाला, फिर हमारे पास जॉन और लिपमैन आए थे और साथ में हमारे पास रबर इंडस्ट्री आई थी, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस दैट इंडस्ट्री आई थी। तो क्या तुम लोगों को लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील समझ आ गया? आज मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, थिंग्स वुड बी क्रिस्टल क्लियर। ओ माय गॉड, कल तो हमारा लाल पीला दिन था, याद आया कुछ? कल तो लाल पीला दिन था, क्या हुआ था? पीला पीला और लाल पीला होके लाल को पीला पीला करने चला गया था, राइट? So, आज हमारे पास बहुत ही छोटी सी चीज है करने के लिए जो कि क्या है, क्या कंपनी, आज मैं तुम्हें थोड़ी सी काइंड्स ऑफ कंपनी की राइटिंग करा दूंगी, थोड़ी सी काइंड्स ऑफ कंपनी की राइटिंग होमवर्क में दे दूंगी, जिससे कल हम फुल जोश से काइंड्स ऑफ कंपनीज कर पाए। ओके गाइज, अच्छा उससे पहले जाने से मुझे बताओ, ये बैच एक नंबर का नलायक बैच है, बताओ क्यों? एक नंबर का डिसअपॉइंटिंग बैच है, बताओ क्यों? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास किसी की भी फोटो नहीं आई है। क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारी मैम नहीं हूं कि तुम मुझे केस स्टडी, तू तो मेरी होकर रहेगी कि छोटी बुकलेट का फ्रंट पेज भेजो? नहीं है क्या बात तुम्हें? मेरे को सबका फ्रंट पेज चाहिए और केस स्टडी तो कोई लिख ही नहीं रहा है। इलीगल एसोसिएशन किसने लिखा ही नहीं। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत करो, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना तो तुम गए। केस स्टडी नहीं सेंड करी बट लिखी है मैंने, तो गोला क्या उसका गोला बनाकर तुम खा गई?
आज पहुंच जाएगी मैम, ये क्या बात है? मुझे सबकी केस स्टडी चाहिए, मुझे तुम लोगों से कॉन्स्टेंट व्हाट्सएप चाहिए। तुम लोग मेरे दोस्त क्यों नहीं बन रहे हो? क्यों मुझे व्हाट्सएप नहीं करते? क्यों मुझे फोटो नहीं भेजते? नहीं बनना चाहते हो क्या मेरे प्यारे बच्चे? अगले 9 महीने की जर्नी मेरे साथ नहीं गुजारनी है क्या? बताओ मुझे सेजल, अपनी फोटो भेजो। मैम ये है सेजल, इसको अपने जहन में रख लो। अग्रवाल अग्रवाल, सारा बात बनेगी। अग्रवाल कम्युनिटी रॉक करेगी, करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अग्रवालों की बहुत मजे लिए जाते हैं, अग्रवालों के मजे लेते हैं बहुत ज्यादा सर। तो हमारे यहाँ पर लॉ की क्लास में अग्रवाल कम्युनिटी होनी चाहिए जो सर के खिलाफ खड़ी होगी, है ना? तो मेरे पास आज मैं क्वेश्चंस बहुत सारे करा दूंगी, तो मेरे पास डेली केस स्टडी आनी चाहिए अगले 9 महीने तक। अगले मई तक अगर मेरे पास केस स्टडी नहीं आई ना, तो तुमको ही पाप लगने वाला है, मुझको कुछ नहीं होगा। मुझे सारी केस स्टडीज लिखनी आती हैं। क्लियर? सर मुझसे डरते नहीं है, वो सिर्फ बहाने बनाते हैं, तुम्हें दिखाते हैं कि कितने भोले हैं सर। सर भोले हैं नहीं, ठीक है? अब मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हारी? चलो, सबकी केस स्टडी आनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि कंपनी क्या इंडिया की सिटीजन होती है? मैंने तुम्हें कहा कंपनी एक पर्सन है, कंपनी एक पर्सन है, लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके पास पर्सन वाले तो सारे राइट्स होते हैं, लेकिन कंपनी सिटीजन नहीं होती। सिटीजनशिप एक्ट कंपनी को इंडिया का सिटीजन नहीं मानता, तो वो कंपनी सिटीजन नहीं होती। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का क्या होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का क्या होता है? कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस उसका डोमिसाइल होता है। यहां लिख लो, जहां कंपनी बेसिकली काम कर रही होती है वहां उसका रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, ठीक है? क्या कंपनी ये कंपनी है मेरी और सर की, सीएमसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? क्या ये कंपनी लक्षिता अगर एक पार्टनरशिप बनाना चाह रही है और मेरे पास आई है कि मैम चलो सीएमसी प्राइवेट लिमिटेड और लक्षिता मिलके पार्टनरशिप करते हैं, सबने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? डोमिसाइल का मतलब वही होता है बेटा, जहां कंपनी काम करती है उसका काम करने की जगह। क्या लक्षिता और सीएमसी प्राइवेट लिमिटेड, क्या लक्षिता और सीएमसी प्राइवेट लिमिटेड आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं? क्या पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था कि दो पर्संस चाहिए? क्या ये दोनों पर्सन हैं? हाँ ये दोनों पर्सन हैं, ठीक है? सो अगर इसके एमओए जो बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी होता है जिसके बारे में हम बहुत पढ़ेंगे, अगर उसमें लिखा है कि कंपनी कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप, तो कंपनी पार्टनरशिप में एंटर कर पाएगी, अदरवाइज कंपनी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमें पता है एमओए होता है पापा और एओए होती है हमारी मम्मा, ठीक है? सो अगर पापा अलाउ करते हैं तो काम हो सकता है, वरना काम नहीं हो सकता। क्या स्पर्श, तुम्हें इस चीज का स्पर्श मिला? बोलो स्पर्श, क्या समझ में आया कि अगर एमओए अलाउ करेगा तो कंपनी पार्टनर बन सकती है? वेरी गुड स्पर्श, डू यू नो आई रियली डोंट नो हु आर यू। कितनी गलत बात है ना, तुम्हें मैम से कोई दोस्ती नहीं करनी, तुम्हारे पास बहुत दोस्त है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सीएमसी प्राइवेट लिमिटेड मेरी एक और कंपनी है शौर्य प्राइवेट लिमिटेड, क्या सीएमसी प्राइवेट लिमिटेड किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है?
या सीएमसी लिमिटेड रिलायंस के शेयर्स खरीद सकती है, टाटा के शेयर्स खरीद सकती है, क्या कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स लेके वहां की शेयर होल्डर बनके वहां की मेंबर बन सकती है? बोलो ना मेरे साथ, बन सकती है या नहीं बन सकती? बन सकती है, राइट। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स ले सकती है और मेंबर बन सकती है? ठीक है। अब तुमने बचपन में पढ़ा था, बचपन में क्या पढ़ा था कि होल्डिंग कंपनी होती है और सब्जी कंपनी होती है। हमारी ये सब्सिडियरी को हम क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी होती है और सब्जी कंपनी होती है। तो क्या सब्जी कंपनी कौन होती है? सब्जी कंपनी कौन होती है? अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। सब्जी मार्केट अभी नहीं खोलेंगे, कल की क्लास में खोलेंगे। आज सिर्फ ये बताओगे कि होल्डिंग कैसे बनती है एक कंपनी दूसरी कंपनी की। या तो 51% वोटिंग पावर ले लो, या तो 51% आप क्या ले लो, 51% आप वोटिंग पावर ले लो, ठीक है, या फिर आप इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन ले लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन ले लो, ठीक है। तो सबसी बन जाते हो आप, तो आप सबसी बन जाते हो। सिंपल सी मेरी बात समझना, कंपनी ए कंपनी बी में शेयर्स ले सकती है, लेकिन एक सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स नहीं ले सकती। लेकिन एक सब्सिडरी कंपनी वो ऑलरेडी चूजी है, वो ऑलरेडी बच्ची है उस होल्डिंग कंपनी की, तो अपनी बाप की कंपनी में शेयर लेने का राइट नहीं होता। शेयर कैपिटल नहीं होता स्पर्श, वोटिंग पावर होता है। वोटिंग पावर, वोटिंग पावर और शेयर कैपिटल में फर्क है या नहीं है? हो सकता है मेरे पास 10,000 शेयर्स हो और हो सकता है सर के पास 100 शेयर हो, लेकिन मेरे पास एक शेयर पे एक ही वोट है, यानी मैं 10,000 वोट ही डाल सकती हूं, लेकिन सर के पास एक शेयर पे 150 वोट है। सर के पास एक शेयर पे 150 वोट है, तो सर 15,000 वोट्स डाल सकेंगे। तो शेयर कैपिटल अलग होता है और वोटिंग पावर अलग होती है। कभी कभी मेरे पास वोट्स कम होते हैं, ओ शेयर्स कम होते हैं, लेकिन वोट डालने का राइट ज्यादा होता है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंशियल वोटिंग राइट में। तो यहां पर 51% ऑफ द वोटिंग राइट आता है। तो सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स नहीं ले सकती। क्या ये बात तुम्हें क्लियर होती है? क्या ये बात तुम्हें क्लियर होती है? फिर से बता रही हूं, जनरल फिनोमिना क्या कहता है, फिर से बता रही हूं, जनरल फिनोमिना क्या कहता है, जनरल फिनोमिना क्या कहता है, जनरल फिनोमिना क्या कहता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर्स लेके मेंबर बन सकती है। बोलो मेरे साथ, जनरल फिनोमिना क्या कहता है, जनरल फिनोमिना क्या कहता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर्स ले सकती है, लेकिन एक सब्जी होल्डिंग में शेयर्स नहीं ले सकती, लेकिन एक सब्जी होल्डिंग में शेयर्स नहीं ले सकती। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक्सेप्शन है सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स नहीं ले सकती, लेकिन इसके कुछ हैं एक्सेप्शंस। ओ माय गॉड मैम, मैम एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन क्या खेल खेल रही हो हमारे साथ? जनरली एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर्स लेके मेंबर बन सकती है, इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है कि सब्जी होल्डिंग में शेयर्स नहीं ले सकती। इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या कह रहा होगा बताओ मुझे, एक्सेप्शन क्या कह रहा होगा? मैं ये पूछ रही हूं, एक्सेप्शन क्या कह रहा होगा? Yes, very good guys, very good. Exception ये कह रहा होगा कि सब्जी होल्डिंग में शेयर्स ले सकती है,
सब्जी होल्डिंग में शेयर्स ले सकती है। कब कब सब्जी होल्डिंग में शेयर्स ले सकती है बताओ मुझे, कब कब सब्सिडरी। हाँ सृष्टि वेरी गुड, प्रधान जी कहते हैं सब्जी ले पाएगी शेयर। बेटा सब्जी कौन से शेयर ले पाएगी, लौकी तोरी कौन से शेयर लेंगे, क्या बोलता है प्रधान तू कि सब्जी कब कब। सृष्टि बोलती है कि सब्जी कब कब शेयर्स ले सकती है होल्डिंग में, कब कब। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब वो लौकी बनी, जब वो भिंडी बनी, जब वो सब्जी बनी, अगर उससे पहले कुछ शेयर्स ले रखे हुए थे, अगर उससे पहले कुछ शेयर्स ले रखे हुए थे तो वो शेयर्स आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो वो शेयर्स आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि ध्यान से सुनना, ये है कंपनी ए, ये है कंपनी बी, ठीक है। इस कंपनी ने 2000 शेयर्स लिए हुए थे, इस कंपनी ने, इस कंपनी में लॉकी, साउंड्स लाइक लॉकी, अरे लॉकी मत लो, ठीक है, लॉकी मत लो, लॉकी मत लो। मेरा कहने का ये मतलब है कि लौकी मत लो, लौकी अच्छी नहीं लगती खाने में, लौकी अच्छी नहीं लगती खाने में तो लौकी मत लो। बी ने क्या ले रखा है, 2000 शेयर्स ले रखे हैं। ये दोनों सेपरेट कंपनीज हैं, ये दोनों सेपरेट कंपनीज हैं और बी ने 2000 शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है, बी ने 2000 शेयर्स ले रखे हैं। अब होता क्या है, लेट्स से हम लेते हैं 1st October 2021 का ये सिनेरियो है कि बी ने 2000 शेयर्स ले रखे हैं। 5 अक्टूबर 2021 में ए ने बी की 51% वोटिंग पावर ले ली। तो जैसे ही बी की 51% वोटिंग पावर ली, कौन बन गई सब्जी, कौन बन गया होल्डिंग, कौन बन गया सब्जी, बी बन गई सब्जी, बी बन गई सब्जी और ए बन गई होल्डिंग। मैम ये तो होल्डिंग सब्सिडरी हो गए और हम कहते हैं कि सब्जी जो है वो होल्डिंग में शेयर्स नहीं ले सकती, लेकिन इस सब्जी ने तो 2000 शेयर्स लिए हुए हैं। मैम अब इन शेयर्स का क्या करें, बताओ क्या करें, क्या क्या सब्जी को ये शेयर्स बेच देने होंगे या सब्जी इन शेयर्स को अपने पास रख सकती है, बोलो रख सकती है या बेचने होंगे, सब्जी को बेचने होंगे शेयर्स या सब्जी रख सकती है, सब्जी रख सकती है, क्यों रख सकती है। हम तो कहते हैं कि सब्जी नहीं ले सकती शेयर्स होल्डिंग के, हम तो कहते हैं कि सब्जी नहीं ले सकती शेयर्स होल्डिंग के, तुम कह रहे हो ये 2000 शेयर रख सकती है। अदिति ने पॉइंट पे मारा, मैम एक्सेप्शन है ना, बात खत्म करो। यस लक्ष्मी बोली, मेरी बैंगन बोली, मेरी बैंगर बोली, मेरी बैंगन, मेरी सब्जी बैंगन बोली, मेरी क्या बैंगन कहती है, मेरी बैंगन कहती है कि मैम वो पहले से ले रखे थे ना, क्योंकि ये शेयर्स पहले के थे ना, होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशनशिप तो बाद में आई है ना। अंशुमन क्या कहता है, मैम वोटिंग पावर लेने के लिए शेयर लेना कंपल्सरी होता है। यस बेटू अंशुमन, यस गीतांशु क्या कहता है, सब्जी बनने से पहले लिए थे, सब्जी बनने से पहले लिए थे ना, तो जो सब्जी बनने से पहले शेयर्स लिए गए थे वो कंटिन्यू रख सकते हो। सो दिस इज एन एक्सेप्शन कि कब कब सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स ले सकती है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, कहां चली गई दोस्त तू इतनी दूर, क्या ये वाला पॉइंट हो गया एक्सेप्शन में कि सब्सिडरी इज अ शेयर होल्डर बिफोर इट बिकेम सब्सिडरी। सब्जी सब्जी बनने से पहले शेयर्स ले चुकी थी, क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने सब्जी को शेयर्स दे रखे हैं एज अ ट्रस्टी, कुछ ट्रस्ट के बेसिस पे शेयर्स सब्जी को पकड़ा रखे हैं। मैम सर को कम शेयर्स लेके ज्यादा वोटिंग पावर कैसे मिली थी, ये कैसे डिसाइड होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे कि सर के पास हमने वोटिंग पावर ज्यादा दी थी, ऐसी वोटिंग पावर ज्यादा देने के लिए लोगों से हाँ लेनी पड़ती है तभी वोटिंग पावर्स एक्स्ट्रा मिलती हैं। सो आकांक्षा शेयर्स के चैप्टर तक के लिए इसके लिए रुको, ओके पांडे जी, ओके चुलबुल, ओके चुलबुली। चलो अब सब्सिडरी क्या करती है, अब सब्सिडरी क्या करती है,
होल्ड कर रही है एज अ ट्रस्टी, ट्रस्ट के बिहाफ पे, ट्रस्टी बन के अगर कुछ शेयर्स ले रखे हैं सब्जी ने तो उन्हें वो होल्ड कर सकती है, तो उन्हें वो होल्ड कर सकती है। लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट क्या आता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, लास्ट पॉइंट क्या आता है, लास्ट पॉइंट ये कहता है, लेट्स से ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ये सब्सिडरी है, ये होल्डिंग है, ठीक है, ये सब्सिडरी है और ये होल्डिंग है। अब तुम इसे पढ़ो, इफ सब्सिडरी होल्ड्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। ये जो ए लिमिटेड है ना, इसका एक मेंबर है अमन, अमन ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है, किसको, अमन ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है बी लिमिटेड सब्जी को। तो अगर अमन चल दिया, अगर अमन चल बसा, अगर अमन नहीं रहा, तो अब जो शेयर्स अमन, लेट्स से 2000 शेयर्स अमन ए लिमिटेड में जो होल्ड करता था, अब कौन करेगा, जो अमन होल्ड करता था अब कौन करेगा, बताओ, बी लिमिटेड करेगी। अब ये 2000 शेयर्स चले जाएंगे बी लिमिटेड के पास, लेकिन मैम सब्जी तो शेयर्स नहीं होल्ड कर सकती होल्डिंग के, बेटा एक्सेप्शन है ना, क्योंकि वो होल्ड कर रही है डायरेक्टली नहीं, वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव, कैसे होल्ड किया सब्जी ने, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर, वो कैसे होल्ड कर रही है इन शेयर्स को, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। उसने डायरेक्टली शेयर खरीदे नहीं है, सब्जी डायरेक्टली शेयर खरीद नहीं सकती, लेकिन हाँ होल्डिंग कंपनी के मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, ध्यान से सुनना, होल्डिंग कंपनी के मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो शेयर्स क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। अगर, अब मैं दूसरी लैंग्वेज में बोल रही हूं, अगर सब्सिडरी ने शेयर्स होल्ड करे हैं एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, तो सब्सिडरी होल्डिंग में शेयर्स होल्ड कर सकती है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, अगर सब्सिडरी ने एज अ ट्रस्टी कर रखे हैं तो वो होल्ड कर सकती है, या फिर सब्सिडरी ने सब्सिडरी बनने से पहले शेयर्स ले रखे थे तो उन शेयर्स को वो कंटिन्यू कर सकती है। ये तीन एक्सेप्शन हमारे सामने आ गई, ये तीन एक्सेप्शन आ गई, सब्सिडरी होल्ड एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर, एज अ ट्रस्टी सब्सिडरी शेयर होल्डर थी बिफोर इट बिकेम अ सब्सिडरी। क्लियर, तो इस केस में जब सब्सिडरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे होल्ड करती है तो उन शेयर्स पे उसे वोटिंग राइट मिलता है, जब एज ट्रस्टी होल्ड करती है तो वोटिंग राइट मिलता है, लेकिन जो हमने ये केस किया था ना बेटा, ये केस किया था ना जो हमने, कि पहले से 2000 शेयर्स लिए हुए थे फिर सब्सिडरी बनी, फिर सब्सिडरी बनी, तो इसमें वोटिंग पावर्स नहीं रहती हैं उन 2000 शेयर्स पे सब्सिडरी की, ठीक है। ओ बाय गॉड आकांक्षा, ऐसा कैसे करूं यार, ऐसे कैसे करती हो मैम, अगर अमन बी लिमिटेड सब्सिडरी का मेंबर हो तो वो भी क्या ए लिमिटेड में शेयर्स ले सकता है, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर अमन बी लिमिटेड का मेंबर हो तो बेटा अमन तो अलग हो गया ना, तुम कंफ्यूज मत हो स्पर्श, देखो ना अमन तो 2000 बी लिमिटेड में भी ले सकता है और अमन तो 2000 ए लिमिटेड में भी ले सकता है, हम तो कंपनी की बात कर रहे हैं कि कंपनी तुम अपनी होल्डिंग कंपनी में मत लेना, अमन तो कहीं भी शेयर्स ले, उसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अमन तो कहीं भी शेयर्स ले सकता है बेटा, ठीक है। दोबारा से बता दे रही हूं,
चुलबुली को कुछ समझ नहीं आया पांडे जी को कि अगर सब्सिडरी होल्ड कर रही है किसी होल्डिंग कंपनी के मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, तो उस केस में वो होल्ड कर सकती है। वो कहती है मैंने डायरेक्टली तो लिए नहीं ना, आपकी कंपनी का एक मेंबर है अमन जिसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं मैं, तो मैं होल्ड कर सकती हूँ। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आया, देखो क्या कंपनी सिटीजन होती है, नहीं, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, उसका डोमिसाइल जहां वो काम कर रही होती है। क्या कंपनी पार्टनर बन सकती है, हाँ अगर उसका एमओए अलाउ करे, क्योंकि कंपनी एक पर्सन होती है। क्या कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है, यस। क्या कंपनी मेंबर बन सकती है अपनी होल्डिंग कंपनी में, क्या कंपनी मेंबर बन सकती है अपनी होल्डिंग कंपनी में, हाँ या ना। क्या कंपनी मेंबर बन सकती है अपनी होल्डिंग कंपनी में, ना। इसके एक्सेप्शन लिख के बताओ तीनों फटाफट, तीनों एक्सेप्शन मुझे लिखकर बताओ, फिर अपनी बुक खोलो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी और बिफोर इट बिकेम सब्सिडरी, वेरी गुड गाइज, लिखो लिखो कम ऑन। कम ऑन आ जाओ यूनिट वन इंट्रोडक्शन टू कंपनीज के क्वेश्चंस पे। हमारी क्लासेस का क्या एम है कि हम सारे क्वेश्चन क्लास में करें। क्या हमने ये पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन समझाना है, और क्या मैंने तुम्हें ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवाया था। हम या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं या हम बोलते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन। लॉलीपॉप है, मजे में खाओ, चबाओ, खत्म करो, ठीक है। हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन करा था हमने, क्या ये केस स्टडी मैंने तुम्हें होमवर्क दी थी बच्चों। चलो आज की डेट अभी मैं बोल देती हूँ कि 28 सितंबर को लिखनी है, जिसने नहीं लिखी। पांच लोग जा रहे थे एक्सीडेंट हुआ, पांच लोग जा रहे थे एक्सीडेंट हुआ, पांचों की मृत्यु हो गई, तो क्या कंपनी की भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी केस स्टडी आएगी तो तुम्हें मुफ्त के नंबर दे जाएगी। आ जाओ, चलो बताओ। The concept of legal personality is of absolute nature. जो ये legal personality होती है ना, कि बनाने वाले अलग और कंपनी अलग, ये absolute nature की होती है, ये कभी भी बदली नहीं जा सकती बात। हमेशा separate legal entity को रखा ही रखा जाएगा। It is not of absolute nature. हमने lifting of corporate wheel पढ़ा है, जब जब अब्यूज होगा कॉरपोरेट व्हील लिफ्ट होगी, तो एब्सोल्यूट नेचर की नहीं होती। कंपनी क्या होती है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। अ कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या ये चीज बिल्कुल क्लियर होती है बेटा, हाँ या ना। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या मैंने तुम्हें इलीगल एसोसिएशन का क्वेश्चन नंबर 7 कराया था, केस स्टडी और स्टार लगा लो। ये भी लिख के मुझे आधे से ज्यादा ने नहीं भेजा, पिटाई करूंगी अगर ये लिख के नहीं भेज रहे हो। ये आ गया था डायरेक्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील पे। किस पे, लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील पे। एग्जामिन करो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं
जब कोर्ट यानी जजेस डिसरिगार्ड करते हैं कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को। सारे क्वेश्चन सेम है और आंसर सेम है, बताओ कब कब जजेस कोर्ट डिसरिगार्ड करते हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को। पूरा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लिखना है, पूरा LOCV लिखना है कि व्हील क्या होती है, लिफ्टिंग क्या होती है, कब कब लिफ्ट होती है और केसेस कौन से हैं। सारा प्रॉपरली लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लिखना है। ये आज का होमवर्क है, क्योंकि इलीगल एसोसिएशन पहले का था, परपेचुअल सक्सेशन उससे भी पहले का था, आज का लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लिखने का तुम्हारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। क्या कहता है? क्रेडिटर्स ने कंप्लेंट की कि कंपनी बनी थी सिर्फ क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए और कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को सर्कमवेंट करने के लिए, उनके संग गड़बड़ करने के लिए। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बताओ और कब कब प्रमोटर्स लायबल होंगे वो बताओ। तो चारों केसेस में प्रमोटर्स लायबल होंगे, सारा कुछ बताना है। ये आ गया हमारे पास एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का डायरेक्ट क्वेश्चन। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का डायरेक्ट क्वेश्चन सब अपनी बुक में साथ साथ लिखते चलेंगे कि क्वेश्चन डायरेक्ट है, क्वेश्चन केस स्टडी है, किस टॉपिक से क्वेश्चन है। अगर तुम्हें वो क्वेश्चन ईजी लगा तो उस पर कोई मार्क मत डालो, अगर तुम्हें वो क्वेश्चन लगता है इंपॉर्टेंट है तो स्टार मार लो कि जब मैं नेक्स्ट रिविजन करूंगा तो मेरे को इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो फटाफट। कौन सा केस है, क्या समझाना है? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इसको भी होमवर्क में लिख लो, कल कर लेना। आओ, स्टेट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ कंपनी बिकमिंग मेंबर ऑन इट्स होल्डिंग कंपनी। ये जो हमने किया है ना, ये सेक्शन 19 है कि क्या कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में मेंबर बन सकती है, नहीं, और उसके एक्सेप्शंस स्टेट करो। क्या सब्सिडरी कंपनी के नॉट होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी? यस। अब यहां पे इनकरेक्ट लिखा है, तुम उसे लिखोगे दिस इज करेक्ट बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। हाँ, अगर तुम इसको एक्सेप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो लिख सकते हो। बताओ वेदर अ लिमिटेड कंपनी कैन बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म? यस, अगर MOA अलाउ करता है। क्या कंपनी एक सिटीजन होती है? नहीं। क्या उसका कोई रेजिडेंशियल स्टेटस होता है? उसका डोमिसाइल। क्या कंपनी मेंबर बन सकती है दूसरी कंपनी में? हाँ। डिफाइन करो बॉडी कॉर्पोरेट। ये बॉडी कॉर्पोरेट अभी मैं तुम्हें लिखवाऊंगी, इसको वेट करना है कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, ये अभी हम लिखेंगे, ठीक है? क्लियर?
पूरा चैप्टर याद भी हो गया। तो हमारे पास ये पांच टॉपिक्स आए। क्या क्लास हलवा पूड़ी सच में लगी या नाटक नाटक में लगी? नाटक नाटक मत बोल देना, ठीक है? बहुत पिटाई करूंगी। क्या ये यूनिट 1 समझ में आया? फीचर्स ऑफ द कंपनी, डिसएडवांटेजेस, इलीगल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू आकांक्षा, बिकॉज जो फाउंडेशन में है मेरे साथ उन्हें तो पता ही था, लेकिन जो इंटर में आते हैं शक रहता है यार, बस समझ आ जाए यार, जिस टीचर से लिया है वो समझ आ जाए। तो समझ में आया राइट? सो हमारा यूनिट नंबर 1 हो गई है। सारे नोट्स आई होप तुम्हारे हो गए होंगे, और फटाफट से एकदम बिंदास मैम, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से पूरा लॉ का कोर्स निपटाना है, फटाफट से खोल लो यूनिट नंबर 2, काइंड्स ऑफ कंपनीज हमें फटाफट ही लिखना है। कम ऑन गाइस, जितना राइटिंग पार्ट हमारा हो जाएगा उतना टाइम हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ऊपर का पूरा नहीं लिखा। ओ मैम क्या करती हैं, चलो लिखो। डन।
डन। चलो नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालनी है काइंड्स ऑफ कंपनीज। डन। लिख लिए हो? आगे चलें। बस लिख लो जरा, पब्लिक कंपनी की होंगी पी है और प्राइवेट कंपनी की होंगी पी है।
डन। बताओ ना, ऊपर करूं ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे लेकर चलूं? डोरमेंट कंपनी के नीचे 455 सेक्शन है। हाँ जी, AOA लिखा है।
चिंता मत करो, बस मैंने तुम्हें पब्लिक प्राइवेट ही लिखवा दूंगी, या ज्यादा लिखने का मन है तो थोड़ा और लिखवा दूं। मैम बस और नहीं हो रहा, कभी कभी तो लिख लिया करो अदिति, कभी कभी तो लिखो। अच्छा ठीक है, तो पब्लिक तक लिखवाती हूँ, ठीक है और नहीं लिखवाऊंगी, ठीक है मैं बांधती हूँ बात तुम्हारी, थोड़ा लिखो ये। डन, डन मैम, आज आपने बहुत लिखवा दिया, बहुत लिखवा दिया, कल हम इसको समझेंगे और आगे भी समझेंगे, आगे करेंगे कल। तो क्या तुम्हें आज समझ में आया जो भी हमने किया था सारा? चलो जी, तो मिलते हैं आप अपनी अगली क्लास में कल और शुरू करेंगे काइंड्स ऑफ कंपनीज। बाय बाय, लॉ ब्लड सेल्स फॉर्म्ड, बाय गाइस।